आइए पंचनामा की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का क्या कोई हेट क्राइम कनेक्शन है? पूरी रिपोर्ट। एम्बुलेंस को फूलों से सजाया गया है और बड़ी तादाद में लोग यहां इकट्ठा है। परवीन भाई अमर रहे के नारे लग रहे हैं। ये तस्वीरें कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले की हैं, जहां बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता की हत्या को लेकर माहौल गर्म है। दरअसल बीती रात जब प्रवीण अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे, उसी समय बाइक से आए तीन हमलावरों ने तलवार और कुल्हाड़ी से हमला करके उनकी हत्या कर दी। प्रवीण की हत्या से पूरे इलाके में तनाव है, क्योंकि मामला सिर्फ हत्या का नहीं लग रहा। दरअसल कुछ दिन पहले प्रवीण ने सोशल मीडिया पर उदयपुर हत्याकांड को लेकर पोस्ट किया था और कांग्रेस पर सवाल उठाए थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक प्रवीण की हत्या में पीएफआई का लिंक सामने आ रहा है। इनिशियली रिपोर्ट जो आ रहा है केरल का एसडीपीआई और पीएफआई का लिंक है, ऐसे मीडिया में वगैरह आ रहा है, मीडिया और सोशल मीडिया में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। तो बीजेपी नेता की हत्या के बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा अपने ही नेता पर फूटा है। हजारों की भीड़ गाड़ी को घेर कर गुस्सा उतार रही है। गाड़ी को धक्का देने की कोशिश की जा रही है। पुलिस वाले मुश्किल से गाड़ी को भीड़ से बचाकर निकालते हैं। ये गुस्सा बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण की हत्या को लेकर फूटा और गाड़ी के अंदर कर्नाटक के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील मौजूद थे। प्रवीण की हत्या को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काफी गुस्से में हैं। कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि देने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ता कर्नाटक में अपनी पार्टी की सरकार होने के बावजूद हत्या को लेकर बेहद नाराज है। दक्षिण कन्नड़ जिले में कई कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने का अभियान भी शुरू किया है। चलिए बात राजस्थान की कर लेते हैं, जहां के अलवर में मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंकने पर माहौल गर्म हो गया है। मंदिर में पुलिस और लोगों की भीड़ जमा है। पुलिस टीम मंदिर में फेंके गए मांस के टुकड़े को जांच के लिए अपने कब्जे में ले रही है। तस्वीरें अलवर के गोविंदगढ़ इलाके की हैं, जहां हनुमान मंदिर में मांस फेंकने को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम अज्ञात लोगों ने मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंका और फिर फरार हो गए, जिसके बाद लोगों ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मांस के टुकड़े को कब्जे में ले लिया है और जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरती करके लोग बाहर निकले तो उनको कोने में मांस का टुकड़ा पड़ा मिला है और इस घटना के संबंध में श्री सुरेश जी से रिपोर्ट लेके तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपी की तलाश कर जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। मंदिर में मांस फेंकने की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल दिख रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या अलवर में जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।